हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मयूर पंखी महालक्ष्मी साड़ी बनाने वाले हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 2 मीटर अस्तर और 8 मीटर की साड़ी ली हुई है। 2 मीटर कपड़ा इस तरह फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। लंबाई है 37। इसमें 1 इंच हम मिलाएंगे, जो भी लंबाई हो 1 इंच मिलाना चाहिए। फुल साइज़ के लिए यहाँ पर 8 इंच लेना चाहिए। 10 साल की बच्ची के लिए 6.5-7 इंच लिया जा सकता है, उससे छोटी बच्ची के लिए 6 इंच लेना चाहिए। अब यहाँ से हमें सीट घेर लेना है। सीट घेर है 40, यानी हिप साइज है 40। इसका चौथा भाग यानी 10 इंच हुआ 10 इंच, इसमें 2 इंच प्लस करना है। 2 इंच मिलाने के बाद ये 12 इंच हो गया। हमने निशान लगा लिया। आसन बनाने के लिए हिप साइज़ का तीसरा हिस्सा, जो भी सीट घेर है इसका तीसरा हिस्सा लेना है। 40 का तीसरा हिस्सा हुआ 13.5, 13.5 1 इंच इसमें भी मिला देना है, यानी 14.5, 14.5 ले लिया मैंने। फुल साइज़ के लिए यहाँ से 3 इंच आगे जाना होता है। 10 साल तक की बच्ची के लिए 2 इंच आगे जाना होता है। 2 इंच यहाँ से 2 इंच आगे जाएंगे 10 साल की बच्ची के लिए, और यदि उससे भी छोटी बच्ची हो 5 साल तक की तो 1.5 इंच आगे जाना होता है। इस तरह क्रॉस में टेप रख कर निशान लगा लिया, मार्किंग कर ली, गोलाई दे दी। यहाँ से इस निशान को मिलाते हुए मार्किंग कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। कटिंग कर ली है और इस तरह से 2 पल्ले तैयार हो गए हैं। पूरे 8 मीटर की साड़ी हमें लेनी है। इस पर अस्तर का कपड़ा रख के यहाँ से बराबर में मार्किंग करनी है। नीचे से भी बराबर लेना है, लेकिन यहाँ से हमने बढ़ा के ले लिया है। ये इतना भाग दोनों ओर से और ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा के ले लेना है और कट कर लेना है। अभी हमने कट कर लिया है और इसी तरह से दूसरा पल्ला भी हमें कट कर लेना है। सलवार कट करने के बाद अब हम पल्लू कट करेंगे। पल्लू कट करने के लिए लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच लेना होता है। लंबाई है 37, 37 एक बार, 37 दूसरी बार और 15 इंच इस तरह हम नाप लेंगे, यानी 37 और 15 37 हो गया। अब 15 इंच और 15 इंच, यहाँ से पल्लू को सीधा कट कर लेना है। पल्लू कट कर लेने के बाद बॉर्डर सीधी होनी चाहिए। पल्लू हमारे सीधे हाथ की ओर होना चाहिए। हमारा जो सीधा हाथ है उस ओर ये पल्लू होना चाहिए। हमारी ओर की बॉर्डर हमें कट नहीं करनी। ऊपर से 15 इंच अंदर हमें चले जाना है, मार्किंग कर लेनी है और इस तरह क्रॉस में निशान लगाकर इस वाले हिस्से को कट करके निकाल देना है। सलवार और पल्लू कट करने के बाद अब हम काष्ठा कट करेंगे। इसके लिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है कपड़ा। फोल्ड करने के बाद जितनी हमारी लंबाई है 37, इसमें 4 इंच प्लस करना है। जितनी लंबाई हो उसमें 4 इंच हमें जोड़ लेना है 37 के बाद में। 1, 2, 3, 4 41 पे हमने निशान लगाया। यहाँ से सीधा कट कर लेना है। कट करने के बाद आसन वाला हिस्सा इस तरह से रखना है। करच वाला भाग इस ओर या इस ओर किसी भी ओर इसे रखा जा सकता है। मार्किंग कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। इस ओर से क्रॉस में टेप रखनी है। 5 इंच पर निशान लगाना है। इसे गोलाई दे देनी है और इसे भी कट कर लेना है। यहाँ से भी कट कर लिया है। अब ये 2 काष्ठे तैयार हो गए हैं। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें हम प्लीट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। लंबाई थी हमारी 37, जिसमें 1 इंच मिलाने के बाद हमने अस्तर को कट किया था। 37 के बाद 38 और 1/2 इंच और मैं ऊपर ले रही हूँ। 1 इंच लगभग मिलाना ही चाहिए और इस तरह से ऊपर की बॉर्डर हमें कट कर लेनी है। कपड़ा सीधा होना चाहिए। सीधे हाथ की ओर की बॉर्डर हमने कट कर ली है। अब
एक और दूसरी बार फोल्ड करके पीछे की ओर सिलाई लगा लेनी है। और इसी के दूसरी ओर वाला छोर जो आखिरी का छोर है, यहाँ से हमें क्रच वाला हिस्सा कट कर लेना है, सलवार रखनी है इसके ऊपर, मार्किंग कर लेनी है और इस तरह कट कर लेना है। कट करने के बाद 8-8 इंच के अंतर पर निशान लगा लिए हैं मैंने। अब पहला निशान हमें छोड़ देना है। इसके बाद जो दूसरा निशान है इसे हमें पकड़ना है। 8-8 इंच के हर निशान को पकड़ते हुए दूसरे निशान पर रख देना है। अब इसे पकड़ा हमने, इस तरह प्लीट ले ली। इसी तरह हमें सभी प्लीट्स बना लेनी हैं। अभी हमने सारी प्लीट्स ले ली हैं। अब जो ऊपर वाली प्लीट्स हैं इसे हमें इस तरह फोल्ड कर देना है और एक सिलाई यहाँ से लगानी है प्लीट्स के ऊपर से। ये जो प्लीट्स है इसके ऊपर से किनारे से लगानी है हमें सिलाई। 5-6 इंच तक हमें नीचे जाना है, फिर इस तरह क्रॉस में आके थोड़ा सा प्लीट्स के नीचे उतर जाना है और यहाँ से वापस एक सिलाई लगा लेनी है। यानी ये इस तरह से आ जाएगा। ये अब सिलाई लगा ली है। इसके बाद पिन को निकाल लेना है और प्लीट को सीधी कर लेना है। इसके बाद जो बॉर्डर है यहाँ से हमें निशान लगाने हैं। पहला निशान हमें 3 इंच के अंतर पर लगाना है। इसके बाद 4-4 इंच के अंतर पर निशान लगाते जाने हैं, 4-4 इंच के अंतर पर। इसके बाद जो ये 3 इंच पे मार्किंग की है इसे उठाना है, बिल्कुल बारीक प्लीट लेनी है और इस तरह रखना है कि ये केवल जो किनारी है ये बाहर आ जाए। दूसरा निशान उठाना है और इसे इन दोनों के बीच वाला भाग यहाँ पे रख देना है। इस तरह रखना है कि केवल किनारी बाहर आ जाए। इसी तरह इसे उठाना है और यहाँ रख देना है जहाँ पहली प्लीट ख़त्म हुई है उससे थोड़ा दूर, और इस तरह किनारी बाहर निकाल देनी है और यहाँ से सिलाई लगानी है इस तरह से। इसी तरह सारी प्लीट्स ले लेनी है। एक सिलाई यहाँ से लगानी है और एक सिलाई यहाँ से लगानी है। सिलाई लगा लेने के बाद बॉर्डर इस तरह से दिखेगी। अस्तर में नीचे पैर वाले हिस्से को थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इस पर साड़ी का कपड़ा रख के यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है, यहाँ सिलाई लगा लेनी है, उस ओर भी सिलाई लगा लेनी है। और ये वाला भाग हमने थोड़ा बड़ा लिया हुआ था और ऊपर से भी थोड़ा बड़ा लिया हुआ था, इसलिए इसे यहाँ चिमटियाँ लेकर इसे बराबर कर लेना है। और ये भाग भी बड़ा है इसलिए 2 चिमटियाँ इस ओर भी लगा लेनी है, 2-3 चिमटियाँ उस ओर भी लगा लेनी है। और यहाँ जिस तरह हम चिमटी लेकर इसे फिक्स करेंगे उस ओर भी उसी तरह फिक्स कर लेना है। अब ये सलवार के दोनों पल्ले तैयार हो गए हैं। अब ये जो काष्ठे वाला भाग हमने कट किया हुआ था, यहाँ से गोल है, यहाँ से आसन वाला भाग है, आसन वाला भाग इस पर रख कर यहाँ सिलाई लगा लेनी है। और जो बॉर्डर वाला हिस्सा है इस तरह से सीधा है, इसे घुमाकर बॉर्डर पर ही रख देना है। यहाँ से 5-6 इंच तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद बारीक बारीक चुन्नटे लेकर इसे यहाँ तक जोड़ लेना है सिलाई लगाकर। ये वाला भाग सीधा चुन्नटे लेकर यहाँ तक जोड़ना है और यहाँ तक फिर से सीधा जोड़ लेना है। दोनों ओर के काष्ठे हमने जोड़ लिए हैं। हमारे उल्टे हाथ वाला काष्ठा हमने पूरा जोड़ लिया है। कमर वाला हिस्सा हमारी ओर होना चाहिए और यहाँ तक हमने नहीं जोड़ा। अभी सीधे हाथ वाला काष्ठा अभी इतना खुला हुआ है, नीचे से जोड़ लिया है हमने। आसन वाला भाग और 4 इंच नीचे इतना भाग खुला हुआ है। अब पल्लू रखना है, छोटा वाला भाग पल्लू का हमारी ओर और 15 इंच बड़ा जो पल्लू लिया था वो नीचे जाएगा। यहाँ से 1 इंच नीचे से हमें जोड़ना है, आसन से 1 इंच नीचे से हमें चिमटियाँ लेकर इस तरह से जोड़ना है और आसन वाला भाग जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ तक और उससे 4 इंच नीचे तक
इस तरह हमें पल्लू जोड़ लेना है और इस पर काष्ठा वापस रख देना है और सिलाई लगा के काष्ठा भी फिक्स कर लेना है। पल्लू जुड़ गया है, दोनों काष्ठे जुड़ गए हैं। अब एक भाग को उठाकर दूसरे भाग पर रख देना है और आसन वाले हिस्से को सिलाई लगा के जोड़ देना है। आसन वाला हिस्सा जोड़ लेने के बाद काष्ठे के दोनों बॉर्डर को पकड़कर आपस में मिलाना है और यहाँ से 7 इंच तक सिलाई लगा लेनी है, 7 से 8 इंच तक। काष्ठे में सिलाई लगा लेने के बाद दोनों काष्ठे को अलग अलग कर लेना है। इस ओर की प्लीट को इस ओर ले लेना है और प्लीट से थोड़ी बॉर्डर से थोड़ी छोटी प्लीट लेनी है हमें, ताकि बॉर्डर के बाहर प्लीट ना दिखाई दे, और केवल इतने में ही हमें प्लीट लेनी है। इस तरह करते हुए यहाँ पर जोड़ लेना है। बॉर्डर की सिलाई और नीचे की सिलाई दोनों मैच हो जानी चाहिए। इसी तरह इस ओर भी हमें प्लीट ले लेनी है और फिर सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। बॉर्डर फिक्स कर ली है, कमर वाला हिस्सा हमारी ओर है, हमारा उल्टा हाथ, हमारे उल्टे हाथ की ओर यहाँ हमें प्लीट्स फिक्स करनी है। जो मयूर पंख की हमने प्लीट्स तैयार की हुई थी, इस तरह सीधी है बॉर्डर, बॉर्डर को उल्टी कर लेना है और ये आसन वाला हिस्सा, इसे जोड़ लेना है और इस तरह से ये नीचे तक जोड़ लेना है। प्लीट्स को जोड़ लिया है, ये प्लीट्स, ये पल्लू, ये दोनों काष्ठे। अब इस पल्ले को उठाकर इस पर रख देना है और इस ओर के आसन वाले भाग को भी जोड़ लेना है। क्रच का भाग यानी आसन का भाग इस तरह से सिलने के बाद इसे इस तरह से रखना है और इस भाग में भी सिलाई लगा लेनी है। अब इसे हमें सीधा कर लेना है। ये पीछे वाला हिस्सा जिसमें पल्लू रहेगा और काष्ठा रहेगा, ये आगे वाला हिस्सा है जिसमें अभी प्लीट्स इस तरह से दिखाई दे रही है, ये प्लीट्स है और इतना भाग एक्स्ट्रा है, ये प्लीट्स का बिल्कुल बीच वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग हमें एक के ऊपर एक रख देना है इस तरह से और प्लीट्स को फिक्स कर देना है। इसके बाद ऊपर नेफा लगाना है। दो सिलाई लगा ली है, कमर घेर के बराबर मैंने बॉर्डर ली हुई है, सीधी होनी चाहिए। यहाँ से दो बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। किनारी वाला हिस्सा अंदर जाएगा, कटा हुआ हिस्सा हमारी ओर आएगा और इस प्लीट और ये कमर के घेर के बिल्कुल बीच वाला भाग यहाँ पे हम अंदर की ओर इसे रखेंगे और सिलाई लगाकर पूरी बॉर्डर फिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसे इस तरह से सामने की ओर पलटा देना है और सिलाई लगा लेनी है। यानी जब इस पर से इस तरह पल्लू आएगा तो ये भाग छिप जाएगा।